यार गाड़ी वाला सीन जितना जल्दी खत्म हो जाए ना उतनी अच्छी बात है। बहुत बोर हो रहे हैं, बहुत बोर हो रहे हैं और काफी बुरा भी लग रहा है, गर्मी भी लग रही है, बार बार स्टार्ट करो, बार बार काटो, बार बार फिर बैक, फिर फॉरवर्ड। अभी ये जो टाइम है ना इसको गोल्डन आवर्स बोलते हैं और इस टाइम पे हमारा बहुत टाइम खिंचता है, लेकिन जब कोई खींचता है ना तो फिर हमारा भी दिमाग खिंच जाता है। देखो कैसे कुरबुर कुरबुर खा रहे हैं। Hey guys, good morning. Welcome back to the new vlog. कल रात को ही मैं आ गया था घर पर और अभी वापस से सेम लोकेशन पे जाना है। आज बहुत सारा सीन है तो इसीलिए 9 बजे की शिफ्ट इन लोगों ने रखी है। लड़की सुबह सुबह उठ गई है, अच्छी आदत है ये सुबह उठने। चलिए अभी स्टार्ट हो जाइए मोटो ब्लॉग के लिए। बाय बाय। सेम रूट है, अब उसी रूट पे हम क्या क्या बताएंगे, बट ठीक है, देखते हैं इस बार क्या डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं लेके जा रहा हूँ अपनी हिमालयन। पिछली बार अपने यूनिकॉर्न्स चला गया था तो प्रोड्यूसर साहब बोल रहे थे कि ये आपकी गाड़ी है, मुझे लगा किसी और की है, इसलिए मैंने साइड कर दिया। भाई बड़ी बेइज्जती फील होती है, लेकिन क्या करें यार, वो मेरी पहली बाइक है, मेरी एक्टिंग की कमाई की होंडा यूनिकॉर्न, जिसको मैं कभी बेच नहीं सकता, एंड वो बाइक बहुत लकी है मेरे लिए। सुबह सुबह निकलो तो मज़ा ही आता है यार। तो इसीलिए बोला गया है कि इंडस्ट्री में ना ये सारी चीज़ें लोग बहुत देखते हैं, कौन क्या पहना है, कौन क्या चला रहा है। आज मैं फिर कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि पहले ही मुझे लेफ्ट लेना है इसलिए ब्रिज पे चढ़ा नहीं, लेकिन मुझे ब्रिज पे चढ़ना चाहिए था। ओ देखा हो, आ गए ले जौनपुर, और आज कुल घासवा ना काटा था, इतनी बड़ी बड़ी घास हो गई लिया। देखो एक लोग आ रहे हैं घास लेके अपना। ये लोकल फूड आप जितना लोकल में जाके खाओगे ना उतना ही टेस्ट आएगा। बस एक ऑरेंज जूस मिल जाए मजा आ जाए। अभी सुबह का टाइम है यार, ये लोग सेटअप कर रहे हैं, पहले ही बोल देना चाहिए था तो अब तक हो गया होता ये। चलो आज सेटअप करके जूस पीते हैं, इसी बहाने दिख भी जाएगा। बनाओ बनाओ। आज पहली बार पूरा मशीन असेंबल करने के बाद जूस मिलेगा, जो पहली बार जो पिएगा ना सारा गंदा उसी को मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ इनकी कुछ मदद कर दूँ क्या, जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले वही पी रहा हूँ। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ कल वाले लोकेशन पे ही, क्योंकि यहाँ पे 3-4 सीन बाकी है, लेकिन आज थोड़ा हम जल्दी आए हैं। और ये भाई साहब यहाँ के ओनर हैं, इनका ही ये बंगलो है, और इनको आज जल्दी उठा दिया गया, इनकी नींद ख़राब कर दी गई, नहीं तो 11-12 बजे तक इनकी नींद पूरी होती है। हाँ भाई सही बोला ना, क्या नाम क्या आपका? गिरीश। गिरीश आइए सर, आज तो सर बहुत बहुत खुश है कि हमारा 10 बजे तक रोल हो जाएगा हमारा कैमरा। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अपने भाई को बोल दे सर, अभी लाइट कट गई है इसीलिए शूटिंग रुक गई हमारी। क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ थोड़ी सी दे दीजिए, आधी कप। तब तक एक आधी कप चाय मारते हैं। पोजीशन चेंज हो रहा है तो अरे अब पर्दा बदलने का जरूरत है। हाँ तो आ रहा हूँ। हाँ हम पर्दा बदल दूसरे घर में एंट्री होती ना कि नहीं, वो मैं चेंज करा। हाँ तू अपन कपड़ा चेंज कर, कपड़ा बदलाओ। ठीक है कहाँ घर तो हमारा जौनपुर के राका। जौनपुर के राका था। अच्छा देखा यो जौनपुर में कहा हुआ एक ठीक एन हूँ एन हूँ दुबे हूँ पढ़ाइन है पढ़ाइन पढ़ाइन और तिवारी हूँ। पूरा उत्तर प्रदेश यही है। अच्छा ये लोग काम कम और बातें ज़्यादा करते हैं, इसीलिए सेट पर किसी एक जन का ना डर होना बहुत जरूरी है। या तो प्रोडक्शन वाला जो है वो एकदम कड़क होकर रहे, या तो प्रोड्यूसर कड़क रहे,
चलिए। अरे यार गर्मी में हालत ख़राब हो जा रही है यार, ना एसी है ना ही कुछ ठंडापन का कुछ तो साधन है। 11 बजे से लेकर के 4:30-5 बजे तक तो एकदम जलना भूलना सबका वही हाल होता है। देखिए आज एक बहुत ही बड़ा आपको टेक्निकल चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। ट्रॉली शॉट लेते हैं, किस तरीके से उसका पूरा असेंबल करते हैं। इसको एकदम प्लेन करने के लिए ये लकड़ी का गुटका नीचे बिठा करके एकदम समतल करेंगे, और समतल करने के बाद इनके हाथ में जो मशीन है उससे हम लेवल चेक करते हैं कि बराबर है कि नहीं। वो बबल अगर बीच में रहेगा तो इसका मतलब कि एकदम इक्वल है। अच्छा, रेल की पटरी जैसे ज्वाइन करते हैं, अब इसी पर ट्रेन दौड़ेगी। हमारी ट्रेन देखिए वो रही। जब पहली बार शूटिंग पर गया था तब मुझे लगा कि ये कैमरा मैन ये लोग बड़ा इन्जॉय करते होंगे, पैंथर लगाया ऐसे ऊपर गया झूला झूल रहे हैं, फिर इस पे उनको राइड मिलती होगी। विकी तिवारी जी भी देखिए इंस्पायर हो रहे हैं व्लॉगिंग से, अब इनको भी व्लॉगिंग शुरू करवाएंगे हम। इनके वैसे 3-3 चैनल हैं बट ये पॉलिटिकल इशू पे ज़्यादा बात करते हैं, बट इनको व्लॉगिंग का भी शौक है। अभी हमारे गुरु हैं भाई ये। अरे अरे गुरु कहाँ से, व्लॉगिंग में। हाँ बोल सकते हैं, यस यस। तो हम इनको व्लॉगिंग सिखाएंगे और ये हमको एक्टिंग के कुछ टिप्स देंगे। हैं नारियल तेल रखने की क्या जरूरत है, ये कहाँ लगता है? ये इसमें स्मूथ ट्रॉली चलाने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है। ओके, इस पे। इसलिए जब आप लोग शॉट देखते हो ना कि ऐसे कैमरा आगे गया, हेलो, तो वो इस पे ही जाता है। और कैमरा तो हमारा यही है सोनी का 4K। और हमारे डायरेक्टर साहब इस पे देखेंगे कि हम लोग कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ट्रेन रखी जा रही है पटरी के ऊपर, अब हम इस ट्रेन का राइड करेंगे। अब सीधा लाइव शॉट दिखाएंगे आपको जब कैमरा इस पर सेटअप होगा। अभी हुआ है इवनिंग ब्रेक, और इवनिंग ब्रेक में देखिए लोग कैसे लुत्फ उठा रहे हैं, ठंडी ठंडी कुल्फियों का लुत्फ उठा रहे हैं। नहीं मैंने तो अभी चाय पी। मुकेश ले लो, बुला लो उधर से किसको ले आप लोग। ये कौन सा कुल्फी है? मावा। कितने की? 5 रुपये की। कितने की? 10 का एक। नहीं हम लोगों ने पूरा खत्म किया तो अच्छा डिस्काउंट मिलेगा हमें। और क्या होगी? ये लीजिए। हाँ मतलब ये वाला लीजिए, ये थोड़ी दूंगा, ये वाली ऐसी ही लीजिए। इसका स्क्रीन छोटा है बट नहीं, स्क्रीन पीछे है। कुल्फी खा के मजा आ गया। कैसे त्योहार गुलाबी गुलाबी है? वो अलग है त्योहार, अलग है। कौन फ्लेवर है वो? अच्छा, मैंने कहीं क्यों गोर क्यों करिया, आदमी आदमी है लेकिन तो गुलाबी है। हाँ तो हम गोर है, हम करिया है तो गोर हो गया। आइए 5 रुपये। अच्छा है तो फायदा। बस देखिए आउटडोर शूटिंग का यही मज़ा है कि जो भी हम करते हैं सब लोग साथ में ही करते हैं। खाना पीना घूमना रहना अच्छा टाइम पास होता है और मस्ती मस्ती में काम भी हो जाता है। देखो ये लड़की जो है तीसरी लेने के लिए खड़ी है, मिल नहीं रहा। दीजिए इसको। देखा आइए गिरा दे। अरे माल बहुत है यार। कि नहीं माल है, माल बहुत है। कितने बार आगे लेके आए हो आप? मेरा पूरा गांव का माल रहता है, 3 गांव। पूरा गांव? तो आज गांव वाले गुस्सा होंगे सब, उनका हम खा गए। दोबारा का कोई चांस है क्या? कोई चांस है क्या दोबारा मिलने का? आइसक्रीम मास्टर देते देते आइसक्रीम कंफ्यूज हो चुके हैं कि किसको किसको दिया जाए। तुमने दिया है मुझे देने के लिए। लेडीज फर्स्ट। देखो दूसरे मिलने के बहुत सारे चांस दिख रहे हैं 100%। यार देखो लग गया। देखो मेरा लग गया। देखिए काउंटिंग चल रही है कि हम लोगों ने कितना खाया, कितने का नुकसान हुआ। कितना? एक ले लोगे 400 हो जाएगा। 400 हो जाएगा, जो भी दे ले लीजिए। 10 रुपये की एक आइसक्रीम है और 40 लोगों के करीब हम लोग हैं। अब आपको दिखाता हूँ सबसे बड़ा सरप्राइज, जो कि हमारे लिए तो है, अभी आपको भी ऐसा फील होगा। ये इनका सूटकेस है, इसमें चड्डी गंजी यही सब भर कर लाए थे।
लेकिन आप देखिए दो दो हजार के नोट। ये देखिए ये लुटेरन किसी का घर लूट ली। इतनी ज्वेलरी, ओह माय गॉड। नाचने का नहीं करे हो गई नाच के बताओ। आ रहे हैं। यस ए इसको भी छोकरी को भी ले गए नाचे। ए नाचना रे नाच मेरी बुलबुल की पैसा लूटा है। ए बुलबुल तू यहां मेरी बुलबुल की पैसा लूटा है। अरे भाई अपन को दारू दे। अरे उठ ना यार आ जा चल अपन मियां बीवी। ए तू मेरे हाथ में वो कपड़ा दे। राइट से लेते किसको बोला वे तेरे को बोल दे। मेरे को बोला नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं बोलने का। बहुत ही सस्ती पार्टी करी है हमने। पार्टी के नाम पे तो ही नहीं है। आपको देखना पड़ेगा। हाँ बट एंजॉय किया हमने सीन को। एंजॉयिंग द शूट। जिस तरीके का सीन था वैसा फिल्म आया। ओह ये पूरा पैक है जिसकी वजह से देख रहे हो बार बार मेकअप दादा को भी परेशान होना पड़ रहा है। आके वो डैब 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 कर रहे हैं पसीना। पूरी शूटिंग में सबसे डिफिकल्ट जॉब मैं बोलूँगा कि वो DOP का होता है। इतना भारी कैमरा लेकर के कंधे पे फिर कभी वहाँ से। हे व्हाट्सअप गाइस, तो अभी हो चुका है हमारा पैकअप। और वैसे तो प्लान था कि मेरा रोड निकल जाऊँगा लेकिन फिर बीच में मेरा प्लान कैंसिल हो गया। तो अभी रिजॉर्ट पर मैं लौटा हूँ और जो यहाँ की रौनक है वो तो आज इतनी ज़्यादा है। ये सिर्फ मेरे लिए लगता है लाइट वाइट आज लगाई गई है। बता रहे थे कि लोग कल यहाँ पर लाइट नहीं लगी थी। और यहाँ पर बैठ करके मैं अपने वीडियो को करूँगा एडिट। तो बस अब मैं लग जाता हूँ काम पे और अब मिलता हूँ आपसे 8:30 बजे। आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट आया क्योंकि इतना हेक्टिक शेड्यूल बन रहा है ना, एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पे रुक गया कि ताकि मैं वीडियो एडिट कर सकूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।